सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से एक रिदम के ऊपर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने खुद से अपने केसियो सीटीएक्स 9000IN में जो हमारा रिदम क्रिएट करने का जो इसमें फंक्शन है उसका यूज़ करके इसमें एक रिदम जो है मैंने वो बनाई है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत ज़्यादा बेकार है। सिर्फ मैंने दो ही की का इसमें जो है वो यूज़ किया है और जो है ये रिदम मैंने क्रिएट की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, और अगर आप भी इस तरीके की रिदम खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं डालूं तो उसके बाद मैं इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसी है ये हमारी रिदम जो मैंने क्रिएट की है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है रिदम जो है वो इसका डेमो दिखा देता हूँ, किस तरीके का है जो ये रिदम है। देखिए, सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी आप बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। यहां से आप इसका टेम्पो भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी मैंने कोर्ड्स वगैरह का कोई फंक्शन नहीं डाला है, क्योंकि मैंने जैसा बताया ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिगनर हैं, जो शुरुआत में सीख रहे हैं रिदम वगैरह बनाना, उनके लिए भी काफी इजी है। कुछ नहीं है, बस सिंपल दो कीज को ही प्रेस करना है। ठीक है, तो ये है डेमो हमारा जो मैंने ये रिदम बनाई है उसकी। आप एक बार मैं फिर से आवाज तेज कर देता हूँ तो देख सकते हैं आप कितनी जो है ये अच्छी है हमारी रिदम। और इससे पहले भी मैंने एक रिदम के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी आप प्लीज जरूर देखिएगा, वो भी काफी अच्छी रिदम मैंने बनाई थी। तो इसी पर दोस्तों हम एक सॉन्ग जो है वो प्ले करके देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कि जो ये रिदम है हमारी कितनी यूजफुल हमें रहने वाली है। तो चलिए हम इस पे एक जो है अपनी टोन जो है वो प्ले करके देख लेते हैं, एक सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। इस तरीके से आप जो है इसमें और भी, ये मैंने एक डेमो के लिए ही प्ले किया था, इस तरीके से आप इसमें और भी जो है वो सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, खुद से भी अपना जो है एक कोई गाना बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको रिदम के बारे में बताया है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो और आप भी इस तरीके की जो रिदम है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस तरह की वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।